ये एरिया, देन क्रिएट करेंगे यहाँ पे मेरी आदत है एक्चुअली पोर्ट्रेट को जल्दी बनाने की। मैं हाइपर रिलीज़ में बहुत कम जाता हूँ। मैं एक हल्का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, वो हाइपर रिलीज़ में ही बना रहा हूँ, उसकी टेंशन मतलब आप लोग। उसका वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा उसका, जल्दी से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हाइपर रिलीज़ नहीं बनाता? क्योंकि सिखाने के लिए ना, अगर मैं हाइपर रिलीज़ बनाने लगा ना, हाइपर रिलीज़ में अगर मैं चला गया, तो मुझे पता है मुझे एक पोर्ट्रेट बनाने में लगभग 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन का मतलब हो जाता है ना, मतलब एक पोर्ट्रेट मुझे 13 घंटे लगते हैं हाइपर रिलीज में, और आपको भी लगते होंगे, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आज की क्लास है कि मैं पोर्ट्रेट को शेड कैसे करता हूँ। ये क्लासेस हैं बेटा, वीडियो ऐसे नहीं होंगे। मतलब क्लासेस में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा से मतलब सेट वेट कर रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा ग्लिच हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो। तब तो कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़े जल्दी थोड़े। एक सेकंड में देख लेता हूँ, वीडियो वीडियो ब्लर तो नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हो मैं कैसा घिचिर पिचर बना रहा हूँ, है ना, क्या घिचिर पिचर बना रहा है उसे। जैसे नर्सरी के बच्चे नहीं होते हैं थोड़े, मतलब बनाते तो बनाते टाइम भी मतलब हो जाता है ना, वही घिचिर पिचर बना रहा हूँ बस मैं। तो पहले स्टोक में, पोर्ट्रेट में मैं शेडिंग करना सिखा रहा हूँ, शेडिंग के साथ ही आप पूरा पोर्ट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे ये क्लॉथ हैं, इनको मैं बहुत डिटेल नहीं दूंगा, बस यहाँ पे इस तरीके से, एंड यहाँ से जो हेड है, शोल्डर है, वो इस तरीके से जाएगा। हेयर ऑल्सो, ठीक है। लिप्स की बात बची हुई है, लिप्स भी देख लेते हैं। आओ, क्यों जो है बुढ़े के साथ हम अन्याय करें, लिप्स क्यों रह जाए इसके? नहीं ऐसा नहीं, मैं रेफरेंस फ़ोटो लिए, एक्चुअल में बंदा कहीं एग्जिस्ट करता होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि परसों किसी बंदे ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मतलब सर आप पता नहीं क्या बोला था उसने, कुछ बेसिक्स सीखने की फिर से कुछ बात कही थी। तो मैं ठीक है, मैं ऐसे क्लास लगाता रहूँगा डेली, डोंट वरी। मेरी क्लासेस तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक ड्राइंग की सारी सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। अब एनाटॉमी भी सीखेंगे, अब फेसियल फीचर्स भी सीखेंगे, पोर्ट्रेट भी सीखेंगे, सब कुछ सीख के जाएंगे यहीं से। यहाँ से जो हाईलाइट है उनको बस हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर्स हैं थोड़े थोड़े वो दिखने चाहिए, हेयर्स का डिज़ाइन दिखना चाहिए कि कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है लगभग, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा है बस, अभी मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल अभी वर्क कर ही किया है। आप देख सकते हो ये है फर्स्ट लेन। अब मैं सिखाता हूँ शेडिंग कैसे करते हैं। अब जो एक व्यूअर है वो मुझे कमेंट करके बताए कि वीडियो कैसा आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा आ रहा है, एंड मेरी वॉइस क्लियर आ भी रही है या नहीं, प्लीज़। ओके, आ जाओ। देखो मैं बात करूं तो गौर से आप देखो, इस पोर्ट्रेट के चारों ओर क्या है, एक डार्कनेस है, ठीक है। उस डार्कनेस को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उस डार्कनेस को क्रिएट करने से पहले पोर्ट्रेट पर पूरे क्रिएट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे ये शेडिंग के जो पार्ट है वो, और आइज़ को देखेंगे बहुत प्यार से। आइज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आइज़ बिल्कुल लास्ट में बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड वर्क होता है। ठीक है, किधर का हो? छोटे छोटे रिंकल्स हैं, उनको मैं यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ।
मैं यहाँ पर का जो पार्ट है उसको